कौन नहीं ब्लैक एडम, डेडपूल और वंडर वुमन को एक ही साथ एक ही मूवी में या एक ही सीन में देखना चाहेगा। यस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स से ग्रेटेस्ट सीआईवी मूवी रेड नोटिस के बारे में। अब इस मूवी की अगर मैं बात करूँ, इस मूवी को बताने के लिए, इस मूवी की तारीफ के लिए, इसकी कास्ट ही काफ़ी है। अगर आप लोगों ने मेरी मूवी देखी, आप लोगों को भी पता होगा, अगर नहीं भी देखी तो इस मूवी में हमें ड्वेन जॉनसन या जिसको हम ब्लैक एडम के नाम से जानते हैं, ब्लैक एडम की मूवी आ रही है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें यानी कि रियान रेनॉल्ड्स यानी कि एक डेडपूल, तीसरी तरफ बात करें यानी कि गैल गैडोट यानी कि वंडर वुमन, ये तीनों हमें एक ही मूवी में देखने को मिल रहे हैं। और इन तीनों की अगर मैं बात करें, ऑब्वियस ये तीनों एक सुपर हीरो मूवीज में आते हैं या इनकी रिकॉग्नाइजेशन एक सुपर हीरो की तरह यानी कि मूवी के हवाले से बात करूं, और इन तीनों एक्टर्स को यानी इन तीनों कैरेक्टर्स को एक ही साथ एक ही मूवी में एक ही सीन में देखना, यार मतलब कौन नहीं देखना चाहेगा। तो इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीआई मूवी रेड नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मूवी का रिव्यू करेंगे कि ये वाली मूवी इतनी वर्थ वॉचिंग है कि जितना इस एक्टर मतलब जितना हम लोग लगा रहे थे यार ये वाली मूवी अपने पोटेंशियल पर पूरा उतरी है या नहीं उतरी। तो इस वीडियो में हम रेड नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर देखकर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा, आप लोग इस मूवी को यही समझे कि हमें एक मार्वल या डीसी का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यस, ऑफ कोर्स मिल रहा है अगर हमें तीनों एक्टर्स एक ही साथ देखने को मिले। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा। देखिए, जब हमें एक मूवी में ना इतनी बड़ी कास्ट देखने को मिलती है ना, तो ऑफकोर्स हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है मूवी से, और फैंस एक्सपेक्ट करते हैं ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब बात करें हमें आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। मतलब फैंस की ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है यार। ये वाली मूवी तो ना बॉक्स ऑफिस का, अगर मैं बॉक्स ऑफिस ना बात करूँ, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, ये वाली मूवी ना काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगी। इस वाली मूवी को बहुत ज्यादा लोग पसंद करेंगे, ऑफ कोर्स इसकी कास्ट की वजह से। और अगर वो मूवी इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस ना करे ना, और ये एक तरह से मैंने बोला डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि इतनी बड़ी कास्ट होने के बावजूद भी इसकी स्टोरी अच्छी है मगर फैंस पे इतनी ज्यादा अच्छी तरह नहीं उतर पाई, अब थोड़ी सी वीक स्टोरी है। और बिल्कुल यही सेम केस हमने देखा है लेटेस्ट ये काइवो मूवी डून केस। अगर आप लोगों ने इस मूवी का रिव्यू नहीं देखा तो मैंने उसका रिव्यू किया, आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। और बिल्कुल यही सेम चीज़ इस मूवी के साथ भी थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी के साथ, जैसे कि मैं बोला हमें उसकी इतनी बड़ी कास्ट देखने को मिली है, मगर ना। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस मूवी ने भी बिल्कुल डिसअपॉइंट किया उसका, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। यहाँ पर मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये था यार ये वाली मूवी जो है ना कुछ करके दिखाएगी, अपने पोटेंशियल पर जरूर खड़ा उतरेगी। तो यस, इस मूवी को देखने के बाद ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यस ये वाली मूवी ने जितना मतलब हमसे मैं बात करूँ जितनी उम्मीद लाई थी ना ट्रेलर देखने के बाद, यह हमें तीन बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, तो यस ये वाली मूवी उस पोटेंशियल पे तो पूरा ही उतर पाई है। आके कुछ ऐसी मूवीज़ की था यार मतलब जिसमें कास्ट तो थी मगर स्टोरी कोई इतनी ज़्यादा वीक थी कि मतलब इतनी बड़ी कास्ट होने का भी फायदा नहीं, मगर इस मूवी के साथ ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। तो बस यहाँ पर रिव्यू खत्म नहीं, पूरा रिव्यू भी खत्म नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूँ, यहाँ पर मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। ये एक इंटरपोल एजेंट के बारे में, यहाँ के एजेंट हार्टली जिसको ड्वेन जॉनसन एक रॉक ने प्ले किया है, उसका मेन मिशन होता है यहाँ पर एक थीफ को पकड़ना, एक आल थीफ को पकड़ना, जिसका मेन मिशन होता है तीन एग्स को यानी कि तीन गोल्डन एग्स को चलाना, जो कि मैं बात करूँ वही बड़ी ही कदीम मैं बात करूँ बड़ी हिस्ट्री के तीन मोस्ट गोल्डन फेमस एग्स होते हैं उसको चलाना। तो यहाँ पर हमें मेन स्टोरी यहाँ पर यह दिखाई गई भी है, जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई है बिल्कुल ही मैंने यहाँ पर कोई स्पॉइलर नहीं दिया, और ये आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा आप लोगों को ट्रेलर से भी बड़ी स्टोरी पता लग गई होगी। मगर मैं मूवी के बारे में बात करूँ, ये मैंने आपको इसकी 10-15% स्टोरी भी नहीं बताई होगी इस मूवी में, या हम आगे जाके भी बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट है जो कि इस मूवी को और भी ज़्यादा यूनिक और अच्छा बनाती है। इस मूवी में एक और चीज़ नोट करने वाली है, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सेवन बर्ड प्रोडक्शन ने, और भी ज़्यादा कंपनीज इसको प्रोड्यूस किया, यानी कि एक जो इसमें प्रोडक्शन कंपनी है वो सेवन बर्ड प्रोडक्शन। अगर आप लोगों को पता होगा, मे बी अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये सेवन बर्ड प्रोडक्शन और किसी की नहीं बल्कि इस मूवी में जो एक्टर यानी कि ड्वेन जॉनसन की ही कंपनी है। तो ये भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था देखना कि सेवन बर्ड प्रोडक्शन ये वाली मूवी बना रही आई थी। अगर मैं गलत हूँ आप लोग जो कमेंट में बता सकते हैं, स्काई स्क्रैपर नाम से जो मूवी आई थी ड्वेन जॉनसन की, वो भी सेवन बर्ड प्रोडक्शन की ही थी। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देखना कि एक सेवन बस प्रोडक्शन यानी कि जो रॉक की मूवी है और ड्वेन जॉनसन इस मूवी में खुद ही है, तो ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देखना कि जिस मूवी में खुद है और प्रोडक्शन भी कंपनी है, तो वो वाली मूवी इस मूवी को कैसा बनाती है। यहाँ पर मैं दो सीन्स के बारे में बात करने जाऊँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ उन सीन से। जो हमें पहली शॉट में एक पहला सीन देखा है, पहला सीन ही होता, दूसरा तीसरा सीन में हमें जो ओपनिंग शॉट देखने को मिलता है जिसमें हम ये देखते हैं, जिसमें हम एक एंगल मतलब कैमरा एंगल देखते हैं कैसे वो बिल्कुल हाई मतलब कैसे बिल्कुल ऊंचाई से दो बिल्डिंग्स के दरमियान जा रहा होता है, जहाँ पर हमें ड्वेन जॉनसन की एंट्री देखने को
को मिलती है सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले। ये वाला सीन होता है आप लोगों ने भी देखा, जहाँ पे मतलब कैमरा बिल्कुल मतलब ऊंचाई से दो बिल्डिंग्स के अंदर मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके जा रहा होता है, वो वाला सीन या मतलब कमाल का सीन था। वो वाला सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने उसको रिपीट में भी दो तीन मतलब उस सीन को देखा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी अच्छा यूनिक था मतलब सीन का, जैसे कैमरा मतलब दो बिल्डिंग्स के दौरान इतनी फास्ट करके दिखा रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो वाला सीन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे मतलब स्टार्टिंग में हमें कोई ऐसा सीन देखने को मिल जाता ना यार, हमारी मतलब एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है, वहीं से अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है नहीं यार ये वाली मूवी में इतनी बड़ी कास्ट हमें देखने को मिली है, नहीं तो इस वाली मूवी में कुछ तो यूनिक होगा ही। इसके अलावा मैं दूसरे सीन के ऊपर मैं बात करूँगा, हमें जो दूसरा सीन एक देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं कि एक आदमी मैं बात करूँ रशियन सोल्जर मिसाइल शूट कर रहा होता है हेलीकॉप्टर पर, वो वाला मिसाइल जो हेलीकॉप्टर के एक डोर से दूसरे डोर के अंदर से ही निकल जाता है, वो हेलीकॉप्टर पर शूट निकलता, वो वाला भी मुझे सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूनिक लगा। आप लोग उस सीन को अब ये भी बोल सकते हैं नहीं यार ये मैं बात करूँ बहुत ही कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मैं यहाँ पर मैं ये बोलूँगा देखें यहाँ पर एक मैं एक्शन सीन है तो उसमें ये चीज़ तो कुछ ना कुछ तो चलती है, और हमें ऐसी चीज़ें हॉलीवुड में इतनी कुछ ज़्यादा दफ़ा कहाँ देखने को मिलती हैं, वैसे मिलती है मैं कोई ज़्यादा दफ़ा वाली बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हाँ यार ये दो सीन जो मुझे देखने को मिले ना, ये दो सीन इस पूरी मूवी के मुझे जान लगे हैं, दो सीन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये वाले मुझे दो सीन्स लगे। पर मैं करेक्टर्स के बारे में बात करने चाहूँगा, जी ऐसा तो हो ही नहीं यहाँ पर करेक्टर्स के बारे में बात ना हो, जो कि हमारी मेन मतलब मैं अगर मैं बात करूँ मेन चीज़ ही जो हमें एक्टर्स या जो करेक्टर्स देखने को मिले, जिसमें अगर मैंने बोला ड्वेन जॉनसन हमें देखने को मिले, हमें रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिले, हमें उसमें वंडर वुमन यानी कि गैल गैडोट देखने को मिली। यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्वेन जॉनसन का करेक्टर जो हमें देखने को मिलता है यानी कि एजेंट होते हैं, दूसरी अगर मैं बात करूँ हमें यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ हमें जो रियान रेनॉल्ड्स का करेक्टर देखने को मिलता है, हमें 85% हमें ऑन स्क्रीन यही दो करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और यार मतलब इन दोनों के दरमियान क्या केमिस्ट्री हमें देखने को मिली है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मैंने ये तो किया था यार मैं तीन करेक्टर्स देखने को मिले हाँ अच्छी खासी इनकी एक्टिंग होगी, मगर जो स्पेशल केमिस्ट्री हमें देखने को मिली है ना ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक और रियान रेनॉल्ड्स के करेक्टर के बारे में यार, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल की इन लोगों ने एक्टिंग की और काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री हमें देखने को मिली है। एक जगह रॉक यार मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलर मैन, और दूसरी जगह हमारे रियान रेनॉल्ड्स, हम यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल मस्कुलर है, डेडपूल के यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मैं बात करूँ डेडपूल के यहाँ पर मैं बुरा भी बिल्कुल भी बुरा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब इन दोनों की जो हमें केमिस्ट्री देखने को मिली है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी है। यहाँ पर हम ड्वेन जॉनसन एक जगह देखते हैं बहुत ही सीरियस मैन, दूसरी जगह रियान रेनॉल्ड्स की अगर मैं बात करूँ बहुत ही फनी मैन, इन दोनों की ना केमिस्ट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी जिन लोगों ने। तीसरे यहाँ पर मैं गैल गैडोट के कैरेक्टर के बारे में बात करूँ ना, तो यार उस कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा स्पॉइलर की वजह से, क्योंकि उस कैरेक्टर का कुछ ऐसा ही रोल है यहाँ पर मैंने ज़रा से बात की ना मतलब बहुत स्पॉइल हो जाएगा, मैं यहाँ पर मैं बस इतना कहूँगा उनका भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सब कैरेक्टर्स यहाँ पर मैं बात करूँ सब कैरेक्टर्स का एक अलग अलग मोटिव है, मिशन तो एक ही है। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ रियान रेनॉल्ड्स का, मैं जो कैरेक्टर देख रहा हूँ मिलता है तीन गोल्डन एग्स को चुराना, उसके बदले में उसको एक इनाम मिलेगा। दूसरी जगह अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारे ड्वेन जॉनसन का ड्वेन जॉनसन जो एजेंट होता है उन पर जो जितने भी नेगेटिव उन पर जितने भी मैं अगर मैं बात करूँ गलत इल्ज़ाम लगे होते हैं उनको दूर करना, यहाँ पर जैसा कि मैंने बात की यहाँ पर मैं फिर से रियान रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। जब भी वो ऑन स्क्रीन होते हैं ना यार मतलब पूरे सीन का जो कहते हैं ना पूरे सीन का मजा लूट रहे ना उन करेक्टर ने मजा। यहाँ पर इस मूवी के बारे में बात करूँ इस मूवी की एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी जो पॉजिटिव चीज़ लगी, इस मूवी जितनी पेस पर स्टार्ट हुई थी ना मतलब स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं मूवी हाई पेस पर स्टार्ट होगी, मतलब जल्दी से सब कुछ जाना होता है, उसी हाई और इंटरेस्टिंग पेस पर मूवी की एंडिंग हो गई, मतलब मूवी की एंडिंग भी बिल्कुल स्लो नहीं होती यार, अच्छा यार सब कुछ हमें पता लग गया बस मूवी की एंडिंग हो गई बिल्कुल स्लो एंडिंग होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं इस मूवी के साथ। इस केस में जितनी इंटरेस्टिंग इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हाई पेस में इस मूवी की एंडिंग भी होती है। यहाँ पर इस करेक्टर्स के बारे में यहाँ पर मैंने बात किया, मैं ये भी कहना चाहूंगा देखें रियान रेनॉल्ड्स का जो कैरेक्टर होता है इतना उसको फिर भी उतना बिलीव कर ले अपने साथ एक एजेंट को मिला के, मतलब एक पुलिस एजेंट को अपने साथ मिला के उसको सारी मैं बात करूं अपनी स्टोरी बता रहा है, ये जानते हुए भी कि वो एक उसके साथ एक थीफ तो है मगर मतलब थीफ नहीं एक पुलिस एजेंट है, मगर फिर भी उसको रियान रेनॉल्ड्स का ड्वेन जॉनसन के एजेंट पर इतना ज्यादा यकीन है कि मतलब उसको अपने साथ मिला रहा है उसको सारा कुछ अपना प्लान बता रहा है। बात करने का मतलब ये इस मूवी ने जो कुछ डिलीवर करना था ना इस मूवी ने जो कुछ मतलब हमें ट्रेलर से ही बता दिया जो इस मूवी का मेन गोल था हाँ ये वाली मूवी उस पर पूरा बहुत पूरा उतरी है। यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चीज़ के बारे में बात करूँगा, यहाँ पर हमें जो गुड सीन देखने को मिलता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्वेन जॉनसन और अगर मैं बात करूँ रियान रेनॉल्ड्स का रियान रेनॉल्ड्स जो है ग्राउंड में होते हैं यहाँ पर बुल उनकी तरफ आ रहा होता है, मैं यहाँ पर मैं कहूँगा जब वो बुल जो है ड्वेन जॉनसन पर अटैक करते तो यहाँ पर ना कुछ रियलिस्टिक नहीं लगा कि ड्वेन जॉनसन मतलब जिस एंगल से दिखते हैं मतलब एक बुल इतना आप लोग मतलब खुद भी मैं बात करूँ हाइपोथेटिकल देखिए मतलब वैसे भी देखें फिजिक्स के लॉ में वैसे मैं हॉलीवुड की बात करूँ फिजिक्स तो दूर तक नहीं मगर फिर भी देखें ना रियलिस्टिक नहीं लग रहा एक बुल इतनी हाई स्पीड में इतने हैवी वेट के साथ आ रही है ड्वेन जॉनसन को मारने। हमें पता है कि ड्वेन जॉनसन का भी बहुत अच्छा वेट है मगर फिर भी ना उनको ना थोड़ा सा और दूर जाके गिरना चाहिए था कुछ हाई एल्टीट्यूड के साथ जाके गिरना चाहिए था, मतलब ना वो वाला सीन इतना रियलिस्टिक नहीं लगा। अगर आप लोगों को सीन के बारे में क्या ख्याल आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना का, वैसे ही मेरा अपना ओपिनियन था हो सकता है आप लोगों को वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मगर ना वो थोड़ा उसको ना उस सीन को ना थोड़ा सा और रियलिस्टिक बना सकते थे।
इस मूवी में हमें रियान रेनॉल्ड्स देखने को मिला और ये वाली मूवी फनी ना हो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा फनी डायलॉग इसमें हमें देखने को मिले रियान रेनॉल्ड्स की तरफ से। यहाँ पर आप लोग हंसी से भी देख सकते हैं, हम इसमें काफ़ी ज़्यादा फनी डायलॉग्स देखने को मिले, स्पेशली जैसा कि इन बोला हम इसमें जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है ड्वेन जॉनसन और रियान रेनॉल्ड्स के दरमियान, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और इसमें जो फनी डायलॉग्स हमें देखने को मिले ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और फनी डायलॉग्स ना इस मूवी पर बिल्कुल फिट भी बैठते हैं। रियान रेनॉल्ड्स और हमें फनी डायलॉग ना देखने को मिले जैसे बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फनी डायलॉग्स है। इसके अलावा इस मूवी में टर्न एंड ट्विस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे। इस मूवी की असल में मज़ा, इस मूवी का असल में अगर मैं बात करूँ जो असल में तड़का लगता है वो इस मूवी के क्लाइमेक्स से लगता है जब हमें ट्विस्ट सा देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करूँगा वो टर्न एंड ट्विस्ट क्या था, आप लोगों को बिल्कुल स्पॉइल ना कीजिएगा, मगर मुझे वैसे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मगर नहीं यार, वो जो हमें ट्विस्ट देखने को मिला ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस मूवी में ना और इंटरेस्टिंग पैदा और जान आ जाती है, और ना इंटरेस्ट आ जाता है उस ट्विस्ट से, मतलब हम जो सब कुछ देख रहे होते हैं उस ट्विस्ट को देखने के बाद हमें ये लगता है यार मतलब ये क्या। अब हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो वाला ट्विस्ट प्रिडिक्ट भी कर लिया हो। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करूँ तो देखें मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये मुझे नहीं पता कि रोटन टोमेटोज ने इसको इस मूवी को इतनी कम रेटिंग क्यों दी है। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करूँ तो देखें 2 आवर्स की मूवी आप लोगों का बिल्कुल मैं बात करूँ टाइम वेस्ट नहीं करेगी, टाइम वेस्ट की क्या आप लोगों का मैं बात करूँ बिल्कुल वर्थ वॉचिंग 2 आवर्स यहाँ पर लगेंगे आप लोगों को। 2 आवर्स का कंप्लीट फनी इंटरटेनमेंट मूवी देखने को मिलेगी स्टार्टिंग सेंड तक आप लोग बिल्कुल भी, तो मेरी गारंटी है आप लोग बिल्कुल भी बोर तो नहीं होने वाला, स्टार्टिंग सेंड लगा आप लोगों को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, कंप्लीट स्टार्टिंग सेंड है। एक इंटरटेनिंग एक्शन पैक मूवी है जिसमें हमें 3 बड़े हॉलीवुड कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। जैसा कि मैंने बोला इस मूवी ने जो कुछ प्रॉमिस किया था ड्रीवल करने का वो वाली मूवी अपने पोटेंशियल पर 110% पूरा उतरी है। कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि ये वाली मूवी ना अपने ट्रैक से हटकर कुछ और करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों के 2 आवर्स ना आप लोगों को कंप्लीट इंटरटेनिंग 2 आवर्स मिलेंगे इस मूवी को देखें। मैं आप लोगों को 110% रिकमेंड करूँगा आप लोग इस मूवी को देखें, ना सिर्फ इस कास्ट की वजह से, ऑफकोर्स कास्ट की वजह से तो आप लोग देखेंगे, इसकी स्टोरी की वजह से ही देखें जो हमें इतनी अमेजिंग और अच्छी स्टोरी देखने को मिली है। ओवरऑल मैं बात करूँ इंटरटेनिंग और एक फनी मूवी थी। बस इस वीडियो में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी मेरा ये वाला आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा, आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया जरूर फॉलो कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।